चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर माफिया अतीक को आज गुजरात भेजा जाएगा। चलिए ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर माफिया अतीक अहमद को आज भेजा जाएगा गुजरात, और अहमदाबाद की जेल में अतीक को रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को भेजने के आदेश दिए थे, कारोबारी की पिटाई के मामले में दिए थे आदेश, और अतीक ने देवरिया जेल में कारोबारी को पीटा था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के भी आदेश दिए थे। माफिया अतीक को आज भेजा जाएगा गुजरात, अहमदाबाद की जेल में अतीक को रखा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को भेजने के आदेश दिए थे। कारोबारी की पिटाई के मामले में ये आदेश दिए गए थे, और अतीक ने देवरिया जेल में कारोबारी को पीटा था, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के भी इस पूरे मामले में आदेश दिए। माफिया अतीक को आज भेजा जाएगा गुजरात, और अहमदाबाद की जेल में अतीक को रखा जाएगा। और टीम मोदी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। गुरुवार को मंत्रियों ने शपथ ली, और शुक्रवार से ही पूरे एक्शन मोड में आ गए, और पहले दिन से ही प्रधानमंत्री मोदी भी फुल एक्शन मोड में है। देखिए, ये मोदी सरकार के फर्स्ट डे का फर्स्ट शो है। गुरुवार को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और शुक्रवार से ही एक्शन में आ गए। कैबिनेट की बैठक से पहले भगवान का आशीर्वाद लेकर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया। इधर पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा भी कर दिया। मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली तो वो भी एक्शन में आ गए। शुक्रवार को ही मोदी के सभी मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया। इन 6 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। दूसरी तस्वीर में धर्मेंद्र प्रधान नजर आ रहे हैं, जिन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तीसरी तस्वीर में देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जिन्हें देश के खजाने की चाबी सौंपी गई है। चौथी तस्वीर में आप देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल को देख सकते हैं, जिन्होंने कार्यभार संभाला तो उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया। पांचवी तस्वीर में एस जयशंकर नजर आ रहे हैं, जिन्हें पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। और छठी तस्वीर में प्रकाश जावड़ेकर हैं, जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पदभार संभालते ही टीम मोदी ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, लेकिन मोदी सरकार की नीति और रणनीति क्या है, मोदी सरकार का एजेंडा क्या है जिससे देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, टीम मोदी की जुबानी ही जानते हैं। देखिए, हर जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता होती है अपने क्षेत्र में हर तरह का विकास करना, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं उन सतत संपर्क में रह के कोई न कोई रास्ता निकलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो भी सोचा होगा अच्छा सोचा होगा, और मेरी कोशिश है कि मैं उसको समझ करके बहुत आगे बढ़ाऊँ। शिक्षा मंत्रालय अच्छा मंत्रालय है, और किसी भी उसका रीढ़ की हड्डी है, तो मैं समझता हूँ कि अभी मैं ज्वाइन तो कर लूँ संजीव, फिर मैं देखता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेवारी हम पे सौंपी है, उसको मैं बहुत ही परिश्रम के साथ, निष्ठा के साथ, उनकी आशा और अपेक्षाओं के साथ मैं करूंगा, और भरसक प्रयत्न ही नहीं करूंगा, मैं परिश्रम की प्रकाष्ठा ला दूंगा, लेकिन उनकी आशाओं पर मैं खड़ा उतरूंगा। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज that need to take care of them. At the same time, chemicals, all the medicines, now generic and janaushadi, everything comes under this. So many initiations have been already taken by the my former minister Anand Kumar, and as per the directions of the Honorable Prime Minister, we also go in search of some new initiatives so that it should benefit more to the people across the country. ये मेरा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, अमित शाह ने मेरे ऊपर भरोसा किया, उनका भरोसा को पूर्ण करना जीतना ये मेरे लिए अहोभाग्य होगा, मैं इसके लिए सर्वांतकरण में उद्यम करूंगा। मैंने मंत्री बनने के लिए सोचा नहीं था, ये अचानक आ गया, और मैं इसको सादर स्वीकार करता हूँ, विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ
जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में भी कुछ योगदान दे पाऊं। अब भले ही मोदी के मंत्रियों ने पहले दिन से ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हो, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। लेकिन ये भी सच है कि चुनौतियों से पार पाना भी टीम मोदी को बखूबी पता है। आशीष तिवारी के साथ नेहा भदौरिया, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।